दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक समय ऐसा भी था जब नरगिस फाखरी को एक्ट्रेस बनने की ऑफर मिलता था और फैंस उन्हें काफी पसंद भी करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने बड़े पर्दे से गायब हो गया था। दोस्तों नरगिस फाखरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि आखिर क्यों उन्होंने बढ़ते हुए करियर के बीच इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया था, और आज की इस वीडियो में हम सब इसी को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना, और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक्ट्रेस नरगिस फाखरी क्यों ग्लैमरस इंडस्ट्री से दूर हो गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा है कि उन्होंने उस समय एहसास किया वो बहुत ज्यादा काम कर रही है और उसका स्ट्रेस लेने लगे थे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को भी मिस करने लगी थी। नरगिस फाखरी को साल 2017 में महसूस हुआ कि वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही है। उन्होंने लगातार मूवीज में काम करने लगी थी और एक समय उन्हें लगा कि ब्रेक ले लेना चाहिए, और आज की इस वीडियो में हम सब नरगिस फाखरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों नरगिस फाखरी ने कहा है कि उनका अपना दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बिठाना था, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री से दूर होने का फैसला कर लिया था, और अब 2 साल के बाद उन्होंने एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है, लेकिन हिंदी मूवी के साथ नहीं बल्कि साउथ मूवी के साथ। नरगिस फाखरी जल्द ही तेलुगु मूवी हरिहरा वीरमल्लू में नजर आने वाली है, जिसमें उनके साथ लीड रोल निभाने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण। दोस्तों बॉलीवुड में नरगिस फाखरी ने अपने करियर की शुरुआत रणबीर कपूर के साथ रॉकस्टार मूवी से किया था। उसके बाद उन्होंने मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो, अजहर और हाउसफुल 3 जैसे कई मूवीज में काम किया है। दोस्तों साल 2015 में नरगिस फाखरी हॉलीवुड की मूवी स्पाई में दिखाई दिया था, जिसमें उन्होंने जेसन स्टैथम के साथ काम किया था। दोस्तों साल 2020 में ओटीटी पर रिलीज होने वाले मूवी तोरबाज में नजर आई थी, जिसमें उनके साथ लीड रोल करते हुए नजर आए थे संजय दत्त और राहुल देव। दोस्तों खबरें ये भी आ रहा था कि नरगिस फाखरी ने उदय चोपड़ा के वजह से फिल्मों से दूरियां बनाए हुए थे, क्योंकि एक समय था जब नरगिस फाखरी का नाम उदय चोपड़ा के साथ जोड़ा गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि नरगिस फाखरी अपनी एक्टिंग को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती थी, चाहे वो उनका बोल्ड अंदाज के बात हो या फिर उनका रिवीलिंग अंदाज की बात हो। उनका बोल्ड और रिवीलिंग अंदाज हमेशा ही सुर्खियों में छाए हुए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि नरगिस फाखरी बेझिझक मूवीज में अपनी हॉट एंड बोल्ड अवतार भी दिखाने से नहीं कतराते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नरगिस फाखरी बड़े पर्दे पर कमबैक करने को लेकर आपका क्या कहना है और उस पर आपका क्या राय है। तो दोस्तों किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज।
तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपने राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपना और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए अलविदा।